नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही सच्ची खबरें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको डेरा सच्चा सौदा की वो सच उस सच तक पहुंचाएंगे जो कि रियल में डेरा में होता है, जो कि डेरा की वास्तविकता है कि क्या है डेरा की वास्तविकता। ये हम उन महिलाओं से सीधा बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं और आज भी डेरा की संस्था में उपस्थित है। नमस्कार मैम, आपका नाम? कमलेश सर। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? 94 में सर। आप इतने लंबे समय से आ रही हैं, आपके घर से और बहन बेटियां भी डेरा में आती होंगी? सब परिवार जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं के लेकर क्या सेफ्टी है, हमारे दर्शकों को बताइए। महिलाओं के लिए इतनी सेफ्टी है कि गुरुजी के भी हैं जो वचनों पर चलते हैं कि भाई इधर बहने रहे उधर भाई रहे। जो भी सामान मिलता है, बहनों का अलग मिलता है, भाइयों का अलग मिलता है, कोई बहन भाई एक दूसरे को टच नहीं कर सकता। आपने हमें बताया कि इतनी सुविधा, इतना सुरक्षित महिलाएं डेरा के अंदर होती है, लेकिन फिर मीडिया ने इतना गलत क्यों दिखाया? वो अफवाह, नशा विरोधी जो था, मतलब नशे मुक्ति के लिए गुरुजी ने सारे अभियान चलाए, सफाई अभियान चलाए, तो जिसकी कारोबार सब बंद हो जाएगा, नशे वालों के बंद हो गए, जो जितने भी नशे के ये हैं, खाने पीने के सामान हैं, ये बंद हो गए, तो ये समाज ये नहीं देखता कि हमें भी इसमें बंद होने पर फायदा है। कितना फायदा है कि जितना भी नशे में करते हैं लोग बाग, उस पैसे से अपने बच्चों की देखभाल करें, कितना फायदा है। तो गुरुजी ने ये सब बंद किया, तो इस वजह से गुरुजी की अफवाह उड़ाई है। आज आपको कितना विश्वास है? अति विश्वास है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ हमारे गुरुजी, इतना विश्वास है मेरे गुरुजी को। आप हम भगवान का दूसरा नंबर गुरुजी का देते हैं। आपका इतना विश्वास है, इस विश्वास को होने का क्या कारण है? कारण ये है कि हम जो देखते थे पहले, जो नशे करते थे और बेटियों को झाड़ियों में डाल देते थे, इतना विश्वास बहनों को हो गया कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा पाप है। ये 134 कार्य गुरुजी ने चलाए हैं, सब भलाई कार्य चलाए हैं, उसको मीडिया कुछ नहीं दिखाती। क्या आपके परिवार के सभी सदस्य डेरा से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज समाज को कितनी जरूरत है बाबा जी की? बहुत ज्यादा जरूरत है, इस तरह की इतनी जरूरत है जितना खाना खाने के बाद में इंसान को पानी की जरूरत पड़ती है, और तो ले पानी के बिना तरस जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या किया है समाज के लिए बाबा जी ने? बहुत ज्यादा किया है। जो वेश्याएं हैं उन्हें निकलवा कर बेटियों का दर्जा दिया है, उनकी शादी करवाई है, और जो उन्हें जो अच्छे अच्छे घरों के लड़के हैं उनको भग योद्धा की उपाधि दी है ताकि वे उनसे शादी करें। ऐसा नहीं कहा कि गरीब गुरबा कोई भी करे उनसे शादी, और उन्हें बेटियों का बाप का और माता का नाम दिया है। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जो आते हैं यहाँ पे ये वही जान सकते हैं।